दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिए बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया और नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली सीएम को नसीहत दी। दरअसल केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस बयान से भारत की किरकिरी हुई है। इस पर सफाई देते हुए विदेश मंत्री ने सिंगापुर सरकार के प्रयासों की सराहना की है। इस मुद्दे पर केजरीवाल जमकर ट्रोल भी हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।